घोटालेबाज लोगों के ऊपर में, तो हम लोगों का विश्वास आज सरकार के प्रति में, पीएससी जैसे संस्था के प्रति में बढ़ा है। और आज ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चे कोई बहुत बड़े लोगों के मतलब बेटा नहीं है, एक किसान गरीब मजदूर के बेटा है। इतनी खुशी थी। तो ये सब प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए प्रदेश में काम कर रही है। और चूंकि हम लोगों को वापस भी जाना है, और हम तो आते ही रहते हैं, हमको तो लगता है बिलासपुर हम एक साल में कई बार आए हैं, एक आध दर्जन बार तो हो ही गया है, तो हम आते भी रहेंगे और सारे विकास के काम होंगे। यहाँ का जो बिलासपुर का आपका एयरपोर्ट है, उसमें नाइट लैंडिंग व्यवस्था भी शीघ्र शुरू होने वाला है। अभी हम कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं श्री राम मोहन नायडू, उनसे मिल के आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी यहाँ पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। और आज मोदी की गारंटी को तो पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो हर क्षेत्र में विकास के लिए आशीर्वाद केंद्र से बहुत मिल रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, सभी क्षेत्र में बहुत आशीर्वाद केंद्र से हम लोगों को मिल रहा है। आज हमारा ये छत्तीसगढ़ का ये भाग जो अशांत रहता है, बस्तर का, वहां भी हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एक साल में बहुत मजबूती के साथ, नक्सलवाद के साथ हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं, जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रहा है। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आने वाले मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उनको उनके संकल्प को पूरा कर पाने में हम लोग सफल होंगे। क्योंकि आज ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद बचा है। अभी हम लोग उस क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से और लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। तो आज 95 से ज्यादा गांव में सरकार की सुविधाओं को पहुंचाने में वहां पर कामयाब हुए हैं। वहां सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वहां मोबाइल का टावर, घर में पानी पहुंचाने का काम, ये सब हम लोग बस्तर क्षेत्र में कर पा रहे हैं। और कल सरकार का एक साल पूरा हो रहा है, तो इसको हम लोग जनादेश त्योहार के रूप में मना रहे हैं। मैं आज आप लोगों को आमंत्रण भी दे रहा हूं कि कल एक बड़ा कार्यक्रम रायपुर में होने वाला है, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा आने वाले हैं। तो आप सब लोगों को निमंत्रण है, कल आप सब लोग वहां पर आइए। और यहां पर बिलासपुर जिले में कई अच्छे अच्छे काम जिला प्रशासन के तरफ से हो रहा है। इस जिले में हमारे पीबीटी जी के लोग भी रहते हैं, वहां पर आपका बाइक एम्बुलेंस का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें हजारों लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम हुआ है। एक बड़ा नवाचार है, मैं जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज जनप्रतिनिधियों की तरफ से बहुत सारे मांग आए हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनका काम सब हम लोग धीरे धीरे करेंगे। लेकिन आज ये तखतपुर में कार्यक्रम हो रहा है, और आपके